खुदा का शुक्र अदा करते हुए मैं बेहद मशहूर हूँ वाइस चांसलर जामिया हमदर्द का, प्रोफेसर अफ्तार साहब का, डॉक्टर कदीर साहब का, जो वो होस्ट हैं इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। एक बड़ी कोशिश है और जिसका अमली नमूना 30 साल से शायद यूरोप दिखा रहा है और ये बात साबित करता है कि मदारिस के अलावा किसी भी तरह किसी से पीछे नहीं है ना कम। लेकिन कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि जब हम ये सवाल उठाते हैं तो हम सवाल उठा देते हैं लाख लाख में इंसानों की अक्सर तब्दील। वो कुरान इंसान को बेहतरीन साख्त बनाने की ऐलान करता है, उसमें हर बच्चा शामिल है, वो किसी मजहब का, किसी इलाके का, किसी जमीन का हो, किसी जबान का हो, फर्क है उन अपॉर्चुनिटीज का, उन मसाइल का और वो तमाम चीजें जो एक इंसान को इंसान बनाए। तो यह क्वेश्चन जो है अपॉर्चुनिटी का, रिसोर्सेज का, मौके का, इन लोगों ने जो मौके सामने रखे मुहैया किए उनके इस बात को साबित किया। मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ और कुरान का तालिब इल्म हूँ, अल्लाह का शुक्र है ऐसा हो गया। मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बुनियाद इसी चीज की है कि क्या दीन और दुनिया की तकसीम सही है, क्या इल्म की तकसीम सही है, क्योंकि सारे इश्यूज यहीं पे आकर अटकते हैं कि क्या जो दीन मदारिस में दरस निजामी है वो मुकम्मल इल्म का इहाता करता है, ये अक्सर मदारिस जिनको कहा जाता है उसका दर्स जो है, उसका निसाब तालीम है, जो इल्म का ढांचा है वो मुकम्मल बात करता है। तो इसलिए पहले इल्म के बारे में बात करना जरूरी है, इसलिए मेरा आज का मौजूद है वो इल्म की हकीकत के ऊपर है कि इल्म की हकीकत है। इस हकीकत को डिस्कस करने के लिए पहले हम चलेंगे लुगात के ऊपर कि लुगात के मुताबिक अलीम आलम का मफहूम है कि इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर जानना, पहचानना, हकीकत से वाकिफ होना, यकीन हासिल करना, महसूस करना, मौकम तौर पर मालूम करना, ये ताली रूस और मुहित से लिबास है जो वो स्टैंडर्ड लुगात है जो पसंद के इस्तेमाल करते आए। अब देखते हैं कुरान इल्म के बारे में क्या कहता है कि कुरान करीम में है कलना आदम इस्मा कुल्ला अल्लाह व इंसान आलम यार या लिखा हुआ भी है मैं को अच्छा बारीक कर नहीं पढ़ पाएंगे चल है बाहर मैं इसे बता देता हूँ कि पहला जो बल्कि सुबह बाद में भी लेता हूँ कि तीन चीजें इनके ताल्लुक से यहाँ पूर्ण की जा रही है कि अल्लाह वाल इंसान मालूम याला ऐसा जो नहीं जानता था वो एक अल्लाह ने दिया, अल्लाह वाल कलम उसे कलम से लिखना सिखाया, अल्लाह वाल बयान उसे बोलना सिखाया। अब सवाल यह है कि ये चीजें अल्लाह ने किस तरह सिखाई कि अल्लाह ताला उस्ताद की तरह आया इसको सिखाने के लिए। ये हर एक शख्स में हर एक फर्द में ये कैपेसिटी रखती है, सलाहियत रखती है कि वो इन चीजों को सीख सकता है और उसकी मिसाल हमें मिलती है सूरह मायदा में जहाँ ये कहा जाता है कि तुम अपने शिकारी जानवर को शिकार करने सिखाते हो मिम्मा अल्लामकुम अल्लाह, इस फिल्म की मदद से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। अब इसमें अगर हम पहली आयत की तरफ लौटते हैं कि अल्लाह आदम इस्मकुल्ला अल्लाह ने इल्म दिया, नाम सिखाए आदम को यानी पूरी इंसानियत को, कुल्ला जिसमें हर चीज का इहाता है। और यह जैसे ऊपर आप देख रहे हैं दो सोर्सेस इल्म के जिक्र किए हैं, इल्म बजरिया वही और इल्म बजरिया इस्तेदार, कैपेसिटी टू लर्न और एक वही और रिवील नॉलेज। तो रिवील नॉलेज तो नबियों के हिस्से में आती है लेकिन हम सब पे इसलिए उसको नंबर वन पे रखा गया है कि वो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। उसके बाद इस्तेदाद यानी कैपेसिटी किसी चीज को सीखने की और उसको सीखने की कैपेसिटी का, जैसे मैंने यहाँ अर्ज किया कि जो मौके शाहीन ग्रुप में दिए गए जिसको भी दिया, अगर आप उसको छोटे लेवल पे देखे बच्चों की तरबियत के लेवल तो जिस बच्चे को आप जो सिखाना चाहें वो सीख लेते, उसको जो जबान आप सिखाना चाहे जिस जबान में बात करें वो बात करने लगता है। एक बच्चा हैदराबाद में पैदा हुआ था, तेलुगु फैमिली में था, तेलुगु बोलता था, फैमिली शिफ्ट करने जा रहे हैं, बच्चे छोटे थे वहाँ बच्चों के साथ वो जनरल जबान सीख रहे, उसे कहीं ले जाइए कोई जबान सिखा दीजिए सीख जाएगा।
उसको बाहर एंटर की दुकान पे बिठा दीजिए और पेंटिंग पेंटिंग सीख जाएगा, स्कूटर मैकेनिक बन जाएगा, कार मैकेनिक बन जाएगा, और कुछ नहीं सीखेगा तो गली का लफड़ा बन जाएगा, घूमता रहेगा कुछ नहीं करेगा। और हर एक में सलाह करते हैं बात आती है मौके की अपॉर्चुनिटी, और ये अल्लाह ताला हमारे लिए इसीलिए देखे माल पर और आपको फितना कहा गया, यानी आजमाइश, ये उर्दू वाला फितना नहीं है, ये अरबी वाला फितना है, जो हमें आजमाइश, क्योंकि आजमाइश किस साइंस में है, ये जो अल्लाह ताला के रिसोर्स दुनिया में आए इनको हमें किस तरह से गुण दिए, इनकी क्या तरबियत करी, इनको क्या सिखाया। अब यहाँ पे जब इल्म की बात आती है और आगे इसकी वजह करने वाले कल के रुकने पे आऊंगा, एक दूसरी चीज का बात हो गई वक्त की कमी का मुझे एहसास है, भाई साहब को भी कई तस्वीर दे रहा है। तो अब ये एम के तालुक से एक और चीज जो सामने हमारे आनी चाहिए उसे रखना चाहूंगा कि ये अल-मौरिज़ डिक्शनरी है, इसमें आप देखें एम का तर्जुमा क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपको बारीक दिख रहा होगा, लाइब्रेरी में जाके देख लीजिए, लिखा हुआ है साइंस, यानी जिसको हम साइंस कहते हैं और मतलूक है, और 800 साल से हमने अपने यहाँ से दीन से बाहरों से कर रखा है, जिसके नतज आज हम बदल रहे हैं, उसको अरबी में दीन, सॉरी फेथ, और इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। आप में से जो लोग अरब मुबारक पे गए हो, वरना आपको नेट पे देखने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फैकल्टी ऑफ साइंसेस पे लिखा हुआ है कुलियातुल उलूम, यानी एम साइंस है। और इसमें एक चीज की वजह जरूरी है, साइंस किसी मजमून का नाम नहीं है, साइंस एक तरीका है, मेथोडोलॉजी है, कैसे इल्म को हासिल किया जा रहा है। उसके लिए अगर आप कुरान को देखें तो उसमें तीन चीजें अहम आती है, समा, बसर, कुरान, कि आप चीजों को देख के सुन के और एक एडेप्टेबल माइंड से उसका तजिया करें, नतीजे पहुंचते हैं, यही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कही जाती है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की गुंजाइश होती है। तो चूंकि देखिए बुनियादी वजह यह है जिस पर मैं आऊंगा कि हमारे तमाम मसलों की वजह और जो फाउंटेन हेड है जहां से मसाइल उठ रहे हैं हमारे, वो कुरान से दूर है, हम कुरान से दूर हैं किसी भी मकाम पर। देखिए जब जिमनी बात है, देखिए शेखुल हिंद जब पाल्टा से रिहा हुए और ये शफी साहब ने अपनी किताब में बात लिखी है और असरा साहब के क्लिप में ये बयान हुई है जो बहुत वायरल हुआ है, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, तो उन्होंने 1920 में देवबंद में इजलास किया जिसको उस वक्त के तमाम जैन आलिम मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि भाई हम अपने असली के दौरान गौर फिक्र करके इस नतीजे में पहुंचे हैं कि मुसलमानों की बर्बादी जो तबाही की वजह उनका करके कुरान और बाहरी इख्तलाफा। बात में उसमें शफी साहब ने किताब के इसमें गहरा लगाई कि बुनियादी वजह करके पुरानी है, क्योंकि इख्तलाफात भी उसी वजह से आए, क्योंकि जो कुरान ये कहता हो नबी से कि जो उसने दीन को फिरकों में बांट दिया तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं हुआ, जब रसूल ने पता ताल्लुक कर लिया फिरकों की बात करने वालों से तो अल्लाह का भी ताल्लुक कहां से, इतनी शदीद और सख्त आयत होते हुए भी हम मसलक की और फिरने की बात करते हैं, जैसे जिक्र किया कि हम उसके साथ नहीं बैठ सकते, उसके साथ नहीं बैठ सकते, तो ये जसारतें हैं, मैं तो तालिब इल्म ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये बात इस तालिब इल्म की भी हलक से नहीं उतरती, पता नहीं उलमा की हलक से कैसे उतरती, जो दीन इस शिद्दत से मुखालफत फिरते की करे, जो हर एक के साथ एडजस्ट होने की और रहने की बात करे, जो बुराई की रवा में बुराई से मना करे, लेकिन साथ ही दो कंडीशन बताई गई है, मैं जिक्र कर दूँ इसका, कि जब ये कुरान ये कहता है कि तुम बुराई की रवा में भलाई करो, और नतीजा क्या बता रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम देखोगे जो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन था वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन गया, और सबसे अहम चीज आखिर में कही है कि ये सिवा नसीब नहीं होती सिवाय होती सब्र, और सब्र का मफहूम भी अरबी वाला है, उर्दू वाला नहीं है, इसमें से हाथ रखते नहीं बैठना बल्कि डटे रहना है, परसीवियरेंस, सब्र में पेशेंस और परसीवियरेंस दोनों चीजें शामिल है, उर्दू के सब्र में सिर्फ गिविंग अप नहीं करते कि हाथ छोड़ के बैठ जाओ, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह कभी नहीं होता, जो डटे रहते हैं, जमे रहते हैं, परसीवियरेंस होते हैं, जुटे रहते हैं, वो साबिर होते हैं और अल्लाह उनके साथ। तो यहाँ ये बात मैंने इसलिए कही कि उलूम का रिश्ता क्या है, ये बात वाज़ह होती है कि साइंस को भी इल्म कहा जाता है, और जो कुरान करीम की आयत है जो मैंने आपके सामने रखी, यकीनन आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में अकलमंदों के लिए आयात है,
इन्हीं तमाम चीजों को कुरान आयत बयान कर रहा है और इनके लिए अकलमंदों की आयत निशानी है जो खड़े बैठे और अपनी करवटों का हाल हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं। आसमान और द क्रिएशन ऑफ द स्काइज एंड द अर्थ दे पॉन्डर अपॉन द थिंक अबाउट द क्रिएशन ऑफ द स्काइज एंड द अर्थ। अब ये कौन लोग करेंगे जो इन लोगों से वाकिफ है? कुरान इनको अकलमंद कह रहा है और ये बता रहे हैं कि इनकी आयत दूसरी जगह कहा गया है सूरह यूनुस में कि बिला शुबा रात और दिन की ये के बाद में दीवने आने पर अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमान जमीन में पैदा किया सब में आया था। ये निशानी है अल्लाह की उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। तकवा क्या होता है? अल्लाह ने जो कहा वो करना, जो मना किया वो ना करना, डूज एंड डोंट्स है। तो जो अल्लाह की आयत को समझेगा, इन पे गौर फिक्र करेगा, उसको कुरान मुत्तकी बताता है। इन उलूम के साथ कर रहे हैं उन्हीं उलूम के साथ जिनको 800 साल तक तलाब देकर नगर पड़ा। अपने निजाम तालीम में जो हमारे बस में सरकारी निजाम तालीम हमारे बस में नहीं है, इसलिए वो अपने एजेंडा और अपने सिलेबस लेके चलते हैं। उसमें साइंसेस पढ़ाते हैं, उसमें हर चीज पढ़ाते हैं जो एक इंसान को इंसान बनाने के लिए आज के जमाने में कारगर होती है। यहाँ थोड़ी सी मैं आयत की बात करूंगा क्योंकि आयत जाहिरी अलामत के निशाने होते हैं, लेकिन कुरान जब आयत कह रहा है तो जो मैं तालिबे इल्म के तौर पर इस उलझन से गुजरा कि याद ही कलाम पाक की आयत को मैंने आयत कहा सुना है। जब मैं बचपन में पढ़ता था कुरान जो नाजरे का तरीका है तो मुझको आरी साहब आगे आए कह के बताते थे कि आप किस तरह अल्फाज की तब्दीली होती है, आपको तरमीम नहीं करनी, अदा नहीं करनी, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन ये आयत का तस्वुर तो कह रहा है कायनात की हर चीज सारे क्रिएशन और प्रोसेस है जो हमको कुरान आयत कह रहा है। तो आयत है क्या? लेकिन बात यहाँ पर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन है सूरज से जितनी भी रेडिएशन आती है उसका कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है तो हम इतना से देख सकते हैं, ना इधर का दिखता मिल सकता है, यानी वी हैव अ लिमिटेड विजन। हमारी बसारत महदूद है, समात महदूद है, हम सिग्नल की आवाज नहीं सुन सकते, वाटर की रेडिएशन नहीं सुन सकते, समात महदूद है। तो आप महदूद के साथ लामहदूद अल्लाह के साथ काम करते हो उसको आप नहीं समझ सकते, तो फिर किस चीज से समझेंगे उसके आयत जो कायनात और उन्हीं की तरह बार बार कुरान इस चीज का जिक्र करता है। एक और पहलू आयत का है कि ताहिया के माने किसी जगह ठहरना, ताहिया के मकान उस जगह ठहरा उसके लिए लगा दी, इतने खालिश ने कहा कि इसकी बुनियादी माने ठहरना गौर फिक्र करना और अर्जल इरादा करना। ठहरना गौर फिक्र करने की इस मफहूम की आयत पर बहुत अहम नुकता आता है, मैं तफसील को भी पढ़ा रहा हूँ कि जिस आयत पे चाहे वो कुरानी आयत हो या कायनात की आयत हो अगर आप रुक के गौर फिक्र करते हैं तभी वो आयत बनती है, ना आयत बनती है। रुक के गौर फिक्र करना, तफक्कुर करना, तदब्बुर करना, आप कायनात की आयत पे जो रुक के तफक्कुर और तदब्बुर करते हैं उनको साइंटिस्ट कहते हैं, चाहे वो जियोलॉजिस्ट हो, बॉटनिस्ट हो, जियोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो कायनात की आयत का इल्म हासिल कर रहे हैं। शुरू में जो स्लाइड में ये चीज दिलाई थी और कोई ये सवाल नहीं करता कि कोई और किताब है दुनिया की जिसको बिना सर के पढ़ा जाता हो, हाउ अनसाइंटिफिक इट इज, इतनी लॉजिकल बात है, और हम कभी सवाल नहीं करते क्योंकि चलन है, चल रहा है, तो हमें चलन पे चलना है या अल्लाह की किताब के अहकाम पे चलना है। अगर अहकाम पे चलना हो बस एक बात की हम इसको गाइड बुक कहते हैं,
जबकि गाइडबुक हमारे नहीं पूरी इंसानियत के लिए, होटल नास कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, वो रब सबका रब ऐसे मुसलमानों का रब नहीं है। रसूल अबू सबके लिए नबी थे रहमतुल आलमीन। हम बहुत ही वजदान की कैफियत से इसको बयान करते हैं सब उनके खास तौर से जब 12 रबी उल आला, लेकिन अमल में कहा है कुरान को बिना समझे जब पढ़ेंगे तो हमारी कोई तालीम कोई तरबियत वही की रोशनी तो हुई नहीं। ये बुनियादी नुकता है जिसका ध्यान रखना है कि चाहे वो मदरसे के बच्चे हो चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, भाई अंदाज कुरान से दूर है। बेंगलोर में स्कूल में मैंने अरबी पढ़ी 3 साल स्कूल में, मौलवी अब्दुल मुक्तदेसा वाला जनरल नसीब करे मेरे उस्ताद थे। ये सवाल मैंने उनसे किया था तो कहने के लिए मैंने तो 1936 में आलिमियत करी थी, जलाया पढ़ी थी और 13 मारे भी नहीं हुए थे, दस्तार बंदी हुए काम खत्म जाओ। कहने मदारिस में कुरान का कब बहुत पेट ये मेरे उस्ताद ने कहा था आप सब लोग सिस्टम से आ रहे बेहतर जानते हैं, बशर्त ये कि आपको हक कहने की तौफीक हो, हिम्मत हो और सलाहियत हो। आप कीजिएगा मेरे इस ब्लंट गुफ्तगू के लिए, लेकिन ये हकीकत है कि हम कहीं ना कहीं पहलू तही करते हैं, एतराज करते हैं, ये तजावुल आरिफाना से काम है। जानते पूछते हम इन चीजों को नहीं खुल के कहते कि जर पड़ जाएगी, जर अगर नहीं डालेंगे सवाल नहीं करेंगे तो सिस्टम कभी नहीं बदलते। आयत की बात मैंने इसमें रखी थी कि कुरान का दिन बात को आयत करा, क्योंकि इससे बड़ी अहम बात यह है कि तफसल आयत के पर में हमने आयत खोल दी उन कौमों के लिए जो इल्म रखते हैं। आज अल्लाह की कायनात की आयत किन कौमों पे खुल रही है, ये मोबाइल कहाँ से बन के आ गया, ये चिप कहाँ से बना, ये लैपटॉप कहाँ से आ गया। मुझे अपने बचपन के दिन याद है कि जब लाउड स्पीकर आया था कमल देवी उस जमाने में, ये पेड़ थोड़े से सीनियर है, जहां मस्जिद में लाउड स्पीकर लग रही थी हल्का हो गया, इसमें से शैतान की आवाज आती है। लेकिन आज वो वजह दूसरी थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि शायद वो किसी हद तक सही था, क्योंकि हमारे लाउड स्पीकर 100 तो 100 बन इतना कान फाड़ते हैं कि वाकई ये लगता है कि क्या है, क्या इन आवाजों को हल्का नहीं कर सकते थे हम, क्या वो नफासत और नजाकत और लताफत इतने नहीं दिख सकती थी। लेकिन तो उस पर लगता है कि शायद वो बात उस पर सही थी, हालांकि उसकी वजह बहुत ही दूसरा। तो जब आयत खोली जाती है उन लोगों में देखिए जो कौन मुस्लिम नहीं कहा गया, अल्लाह ने आयत वजह यह है कि जो मुस्लिम होगा वो बेल हो ही नहीं सकता, कुरान का तो तस्वुर ही इनका दूसरा है। वरना रसूल अकरम ये ना कहे जाते कि तरावीह में फर्ज और अदा करिए मुस्लिम, रसूल करीम फर्ज कहते कहे। और ऐसी कौम जिसको बड़े शान से हम बयान करते हैं कि हमारी पहली जो वही आई थी उसमें इकरा का हुक्म था, वो कौम सबसे ज्यादा इस बात इंडियन लेवल पे ग्लोबली इलिटरेट है, जाहिल है, कंप्लीट इस बात का वासे सुनते को कुरान के कितने पास ही थी। कुरान का डिस्करेक्ट यही दिख जाता है कि जो बात पढ़ने की कहता है, और ये हर मामले में चाहे वो बच्चों के हुकूक हो, औरतों के हुकूक हो, घरेलू जिंदगी हो, कोई भी इशू हो, हम कुरान के अगेंस्ट ही अपने आप को पाते हैं। और दुर्रा ये होता है और जोर ये होता है कि हम दीन की बात करें, कुरान के आसपास नहीं होती वो बात, वरना दलील से किसी वक्त भी आप किसी मौजूद में बात करें ये बात करें। अब देखिए यहाँ मैं कुछ चीज़ें पेश कर रहा हूँ कि क्या तो जमीन आसमान में जो कुछ उसे देखो, और जो लोग ईमान लाना ही चाहते उनके लिए आया तो तब भी आखिर क्या मुफीद है। यानी अल्लाह ताला कायनात की आयात को इसलिए हमें दिखाना चाहता है कि इन निशानियों से तो अल्लाह की हिदायत क्या, वरना इस बात को फिर सुनोगे कह दो जमीन आसमान में जो कुछ है उसे देखो, यानी कायनात की जो आयात अल्लाह ने पैदा की है, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए आयात जो है निशानी जो है किसी काम की नहीं। इसमें वो ही है जैसे सूरज को उजाला बना रहा चांद को चमक दे उसके लिए मंजिल को बना रही ताकि तो परसों के बिजली और हिस्सा मालूम करो, अल्लाह ने सब कुछ बर्फ ही पैदा किया, वो अपनी निशानियों को आयात को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए रखते हैं। अभी अकेले लोगों की बात हो रही है, पूरी कॉस्मोलॉजी की बात हो रही है, इल्म फलकियात की बात हो रही है। कुरान उस वक्त ये कह रहा था कि सूरज अपनी रोशनी क्रिएट करता है और चांद की रिफ्लेक्टेड लाइट है, जिसको बाद में साइंस ने डिस्कवर किया, हम डिस्कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उस वक्त कुरान बंद हो चुका था और हमारे तरजीहा दूसरी हो चुकी थी, कुरान को ना समझते थे ना उसका और फिक्र था ना तदब्बुर था। अगली आयत जो है क्या बोलो जिन्होंने इनकार कर दिया, गौर नहीं करते कि सब आसमान और जमीन बाहर
मिले होंगे कि हमने रिश्ता किया और पानी से जिंदा चीज पैदा करी तो फिर तो नहीं मानेगा। मैंने 20 साल ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ाया जब मैं टीचर था। हम पढ़ाते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर और हकीकत यह है कि पानी जिंदगी की अलामत है। पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। किसान भी इस बात को जानता है जब अपनी फसल का बीज वो रखता है संभाल के तो उसको नमी से बचाता है कि मॉइस्चर आ गया तो ये बीज सड़ जाएगा खराब हो जाएगा जिससे फसल नुकसान। और आज हम दूसरे प्लैनेट्स पे पानी तलाश कर रहे हैं क्योंकि जिंदगी तलाश कर रहे हैं। कुरान ने कितनी खूबी सी बात पहले कह दी थी, अगर हम कुरान को समझते और इसको अपने उलूम से और अपने हिसाब से खारिज ना करते तो ये डिस्कवरी किसी मुसलमान को करनी चाहिए कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर हमारे यहाँ नहीं। और वो ये जिसने जमीन फैला रखी उसमें पहाड़ों के टूटे गाड़ रखे दलिया बहा दी उसने हर तरह के फलों की जोड़ा कह दे और वही दिन पर रात आई करते हैं। सारी चीजों में आयात हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र से काम करते हैं। फिर तफाकुर और तदब्बुर की बात के कायनात की आयत पर गौर फिक्र करो। और इसमें देखिए ये जो आयत है ये थोड़ा तेज चलना उन्हें भी जरूरी है। कयामत के दिन का मंजर बयान हुआ है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला फौज की फौज उन लोगों की जमा करेगा जो अल्लाह की आयत को झुठला दे। जब वो आ जाएंगे तो अल्लाह उनसे पूछेगा कि अगर सब तू भी आया तू मतलब तो भी तू भी है इमान नमाज आप उनको कहा कि तुमने मेरी आयत को झुठला दिया यू रिजेक्टेड माय साइंस विदाउट कॉम्प्रिहेंडिंग देम विद योर नॉलेज। कुरान की मेरी आयत को तुमने झुठला दिया। कुरान की आयत भी शामिल है और कायनात की आयत भी क्योंकि आयत का नाम इस्तेमाल है बिना उनका इतिहादा किए। और फिर ये जो बात पूछी गई है ना ये रोंगटे खड़े करती है कि अम्मा साहब तुम कहा तुम कर क्या रहे थे What was it you did? इनी जिंदगी का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की आयात पे गौर फिक्र करना उनका इल्मी हद तक ताकि उससे आप अल्लाह की अजमत को पहचाने और एक बेहतर बंदगी में आ सके और उसके कानूनों की अहमियत समझ सके। हमारे ये चीज इतनी कम होती है क्योंकि नहीं आज कुरान के अहकाम के दीन के नाम पर क्योंकि अगर भी आप ये नहीं बताओ बचपन से मुझे दीन के नाम पे जो सिखाया गया कि थोड़ा सा बोलना सीखा था जो मैंने और बच्चों के साथ देखा मेरे साथ ये किया गया हो कि हम कोशिश करते बच्चे से अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं इसको साथ समझते हैं कि बच्चे ने जल्दी सदा फिर उसे कलमा सिखा दिया फिर उसे नमाज सिखा दी बड़ा हुआ रोजा रखवा दिया गया। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिनको खानदानों में वैल्यूज के हिसाब से चलता है कि कम ज़्यादा आप करते रहते कर लेते अच्छी बातें सीख इसके अलावा दीन भी तो हमारे जो प्रैक्टिस में दीन है चूंकि कुरान हम समझ के पढ़ते नहीं पढ़ाते नहीं हमारे नस्ल नहीं है ना घरों में नाजर कुरान के सिस्टम है। कुरान से बहुत मोहब्बत होती है कलर सीख लेते हैं हिट्स कर लेते हैं फहम और कुरान के शोबे कहाँ वहाँ नहीं होता जबकि किताब हिदायत है। कुरान ये कह रहा है इस आयत को आप यह तो कई हिसाब से देख सकते हैं कि तुम किताब के एक हिस्से पर अमल करते हो और दूसरे पर नहीं करते तो जो तुम में से ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा क्या है कि दुनिया में जलील खार होकर रहे और आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब के दर्द रखें। तो हमारे यहाँ तो हिस्सा भी कहाँ 3.5 आयतें हैं जो अदा करने की नमाजों से ज़कात हज बाकी कुरान हमारे लिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि ना समझते हैं ना अमल करते और कर रहे होते तो ये आयत हमारे सामने होती जो लोग सूरह कसस की पिचासी है कि इन्ना लज़ी फ़राज़ अलैक कुरान नमाज तो कहना कुरान फर्ज है हम पे फराज है कोई गुजलक नहीं है इसमें कुरान में तो गुजलक है ही नहीं। हमारी सोच में हमारी इंटरप्रिटेशन और अफजलियत के झगड़ों में इंटरप्रिटेशन से आता है ये जो मसाले की उसकी बात है मामले अफजलियत कुरान साहब कह रहा है तुम पे फर्ज है फराज है कुरान नमाज मुझ पे फर्ज है मैं कितना एहतमाम करता हूँ कुरान मुझ पे फर्ज है तुझे समझ के भी नहीं पढ़ रहा तुम्हें कर क्या। तो जब हम कुरान को समझ के पढ़ते हैं तो इल्म का तसव्वुर भी मुकम्मल होता है और ये तसव्वुर भी मुकम्मल होता है कि दुनिया की जिंदगी से आखिरत का रास्ता है। इस दुनिया में जी के ही आप अल्लाह के अहकाम पे अमल करते हैं और रोज बरोज करते हैं। जब भी आपके अमाल अच्छे होते हैं और आपका कल्ब उस शक्ल में आता है कि वो एक कल्ब सलीम की हैसियत से अल्लाह के हुजूर हासिल है क्योंकि ये देखिए इसीलिए वक्त कम है मैं इसे मेंशन कर दूं जो सोच सकता है तो सोच सकता है कि या ही अल्लाजीन आमनू वकुलू फिस्सिल भी काफा व्हाट डस इट मीन ईमान लाने वाले से कहा जा रहा है कि इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ बिकॉज यू हैव टू लिव इस्लाम डेली आपको रोज के रोज अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम के हिसाब से गुजारनी है और तुम्हें बहुत सारा शौक था कि तुम मुस्लिम हो या जैसे इब्राहिम याकूब और बच्चों से कह रहे क्यों
पैगंबर की उम्मत तो बच्चों से कहा जा रहा है कि देखो तुम मौत ना आए, यानी उस वक्त का दाखिल वक्त तो इस्लाम के ऊपर चलना है, उसका अमल करना है, क्या क्या वक्त है। और ये आया बहरहाल अल्लाह अकबर के शेर पे हमें बहुत याद है कि वी हैव टू चेंज आवर्स, जब तक हम अपना औसाफ नहीं बदलेंगे, औसाफ बदलेंगे एक्सेप्ट में पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, तस्वुरात को बदलने की जरूरत है, ना इल्म की तकसीम है ना दीन दुनिया अलग है, एक रास्ते मिल के चलते हैं, ये कंटिन्यू हम एक है। यहाँ के जो मेरे अमाल है, क्योंकि आज हम चाहे उसे करना कह लीजिए, मुकाबा के अमल कह लीजिए, मेरे जो कलम है एस बी सोच सोच रहे हैं जो हम कहेंगे वही काटेंगे। ये एक नई सदी का एहतमाम है, परचम जो साइंस अल्लाह मेरे हाथ में निकल रहा था उसमें जब नई सदी शुरू हुई थी तो नई सदी का एहतमाम हमने ट्राई किया, जिसमें बात कही थी कि हम यह करें कि इस सदी को तकमील इल्म की सदी, ताकि जो आधे अधूरे मुसलमान बाद में पैदा होते हैं मदरसों में स्कूलों में उनको हम यज्जा कर सकें। और इस सिलसिले में बड़ी अच्छी कोशिश हुई थी, मैं साथ ही बात के साथ की बात खत्म करूँगा, इस्लामी फिका अकेडमी ने कड़पा में इस्लामिक सोसाइटी में कोलैबोरेटर से एक सेमिनार किया था जिसका मौजू यही था कि असली उलूम में किस तरह से, यानी असली दरसगाह में दीनी उलूम की बात हो, दीनी दरसगाह में असली उलूम थी। खाली सेक्रेटर एम एस एफ की सदारत में होता मुझे की नोट एड्रेस के लिए बुलाया गया था, वहाँ भी मैंने यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज की एक बात रखी थी जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद कि किस तरह से इल्म की तकसीम नहीं हो सकती और हमें वो निज़ाम बनाने पड़ेंगे। अच्छा नहीं कि नहीं बनाएंगे कोई बहस की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म यह है कुरान में कि चाहे इख्तलाफ हो अल्लाह पे छोड़ो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि जो चीज़ नाफे है क्या उसी, इफ यू आर बेनिफिशियल वी सर्वाइव, इफ यू आर नॉट बेनिफिशियल वी पेरिश। ये कुरान का फार्मूला है, दुनिया में चारों तरफ दिखता है, जो निज़ाम नाफे होगा वो रुकेगा, अगर नाफे नहीं है तो खुद खत्म हो जाएगा। आप तो देख लेंगे कि उसका डिक्लाइन नहीं है, उसका एसेंट एसेंट और डिसेंट दिख जाता है, किसी बहस की जरूरत नहीं। पहले इख्तलाफात बहुत है, दिल इकट्ठे हुए हैं, जुड़ने की बात कीजिए, कोई बहस की जरूरत नहीं है, एक अपना प्रपोजल रख दीजिए जिसको अच्छा लगे ले लें, क्योंकि हम नतज के लिए जिम्मेदार नहीं, हमें अलग से कोशिश की बात करना है कि बात रख दो जिसको अच्छा लगे ले लें, नहीं बात का रख दो बात नहीं, फैसला तो इख्तलाफात अल्लाह ताला के होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।